कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लगाए 25 स्वास्थ्य शिविर। गाजियाबाद के सीएमओ अखिलेश मोहन मिश्रा ने बताया कि गाजियाबाद में कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए 25 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन यानी कि एम्बुलेंस लगाई गई है। तकरीबन 200 डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। 180 बेड आरक्षित किए गए हैं। साथ ही कांवड़ रूट पर पड़ने वाले निजी अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कांवड़ियों की अगर तबीयत खराब होती है तो उसे एडमिट करना पड़ता है, तो उसे किसी भी तरह का कोई चार्ज ना लिया जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जी सर, गाजियाबाद में 25 स्वास्थ्य कैंप चिकित्सा विभाग की तरफ से लगाए गए, जिसके अंदर 78 चिकित्सक तथा 172 पैरामेडिकल स्टाफ हम लोगों के द्वारा उसके अंदर ड्यूटी पर लगाया गया है। 18 मोबाइल टीम्स लगी हैं। लगभग 40 एम्बुलेंसेज अलग अलग जगह लगी हैं। हमारे जो CHCs हैं वहाँ पे हमारे 24 घंटे जो इमरजेंसी की टीम है वो तैनात है। हमारी और भी व्यवस्थाएं हैं। प्राइवेट के अंदर हमने हमारे द्वारा निर्देशित किया है सभी चिकित्सालयों को कि उनके मार्ग में जितने भी कांवड़ शिव भक्त या कांवड़िए आते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो निःशुल्क उनको सेवा देंगे। और कोई पेशेंट थोड़ा सीरियस है, उस पेशेंट को अपने एडमिट करके स्टेबलाइज करेंगे और स्टेबलाइज करने के पश्चात ही उसको आगे हमारी टीम को बता के, हमारे कमांड सेंटर को बता के आगे रेफर करेंगे। सर, कुल कितने बेड रिजर्व किए गए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो NHFKD या फिर कहीं गाजियाबाद से होकर गुजरते हैं? शुरू में हम लोगों ने 180 बेड्स रिजर्व किए हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर, और इन जिनकी संख्या आवश्यकता पड़ने पे बढ़ाई जा सकती है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।